हेलो 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 ऑडिबल एंड विजिबल नितीश कपूर वेलकम वेलकम सब लोग को साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है दिख रहा है सब कुछ यस yes, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट अन एकेडमी आप सब लोग को पता है कि सब लोग अर्पित टेन जो है कोड आप लगा सकते हो टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन 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 अकेडमी एंड यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ अर्पित बनखड़े डॉक्टर अर्पित बनखड़े की मैंने डिग्री करी है यूट्यूब चैनल विद फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स अन अकेडमी इम, इमर्ज प्रोग्राम जो है वो आई थिंक सो आज खत्म हो चुका है ऑन द फाइव ऑफ अक्टूबर है ना तो इसमें आप सभी लोग को ऑल इंडिया रैंक आपको पता चली होगी डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट Free live mock -test का आपको पर, बिल्कुल आप, जो भी आप टॉपर होंगे फीचर भी होते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स परिपोर्ट दैट कंटेंट एंड यू कैन विन द प्राइज ऑल्सो आप, आप यहाँ पर देख रहे हो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या क्या है तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लाइव लर्निंग आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज एंड ऑलसो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया के थ्रू आप लोग को यहाँ पर लर्निंग मिलती है रेगुलर डॉक्टर होते हैं लाइट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट स्टडी मटीरियल बैच कोर्सेज एंड सिलेबस ऑल्सो तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है अकेडमिक के सब्सक्रिप्शन में और ये जो है आपको मिलता है कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर थ्री मंथ से लेकर के फोर्टी एट मंथ तक के कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर थ्री मंथ नाइन्थ मंथ ट्वेल्व मंथ और ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी लोग जो है हर पीट टेन कोर्स लगाकर यहाँ पर टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हो

ये सारी लेंथ में कोर्सेज अवेलेबल है एंड यू कैन यूज द कोड अर्पिट टेन टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑल्सो एंड आपको इसमें से जो भी कोर्स सही लगता है वो आप बाय कर सकते हो पे इन पार्ट्स जीरो कॉस्ट मै के ऑप्शन भी अवेलेबल है और मोर देन सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी स्पेशल क्लास होती है जो अन अकेडमी पर तो यहाँ पर लाइव क्लास होती है मेरी अन अकेडमी पर तो वहाँ पर आप लोग आ सकते हो नाइन टू टेन वहाँ पर मेरी क्लास होती है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट इमोजी होता है वहाँ पर वहाँ पर हम लोग पोल भी करते हैं अन के ऐप पर अगर आपको फॉलो करना है मुझे अन अकेडमी पर तो जो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जा करके फॉलो कर लो और वहाँ पर जब भी मेरी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन चले आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पेशल क्लास का टाइमिंग है वो है नाइन टू टेन नाइन टू टेन पीएम को मेरी क्लास होती है एवरी डे क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए ही बैचेस शुरू हो चुकी है बायोलॉजी uh, के लिए साइंस के लिए मैथेमेटिक्स एवरी एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड दोनों ही क्लासेस के लिए ट्रिपल ढमाका ऑफर चल रहा है ट्वेल्थ मंथ फिफ्टीन मंथ और एट्टीन मंथ अगर आप इतनी लेंथ का अगर लेते हो सब्सक्रिप्शन अलेवन अक्टूबर तक देन यू विल गेट फोर मंथ डिस्काउंट ट्वेंटी फोर मंथ का लेते हो देन यूलट सिक्स मंथ डिस्काउंट सिक्स मंथ एक्स्ट्रा एंड ऑल्सो अगर तुम सिक्सटी सेवेंटी टू एटी फोर मंथ का लेते हो दे गेट एट मंथ एक्स्ट्रा तो ये जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है लेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन परचेजिंग प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग एनी ऑफ आइकोनिक आई टी जे और नीट यू जी के कोर्सेज हुआ करते थे एट्टी एट्टी थाउजेंड के कोर्स अस्सी अस्सी हजार के जो कोर्स थे बेसिकली सिक्सटी फोर सिक्सटी एट थाउजेंड में मिल रहे अभी तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन आई टी जे और नीट यू जी के सब्सक्रिप्शन अभी फ्री में मिल रहे हैं तो तुम ले सकते हो चार साल का एक साथ मिल रहा है आप लोग को और टेन अक्टूबर को होने वाला अन अकेडमी का कॉम्बेट स्कॉलरशिप टेस्ट इसमें आपको एक करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी थर्टी क्वेश्चन आएंगे फोर्टी फाइव मिनट्स में आपको करने हैं फ्री लाइव टेस्ट ऑन द एंड्रॉइड टेन अक्टूबर को इलेवन ए एम को एक टेस्ट होने वाला है ठीक है और ये सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा लास्ट में हम लोग सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सब लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा यहाँ पर जितने भी लोग हैं ठीक है थीके? तो लास्ट तक हमारा जो भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर बताना साथ में अपन क्विस्ट सॉल्व करेंगे चलिए अपन शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम यस 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 यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना तो आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और जैसे ही आप मुझे आंसर बताओगे तो मैं यहां पर टिक करते जाऊंगा ठीक है द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी स्वेटिंग रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन कंटिन्यूसली होती ही रहती है ऐसी कौन सी प्रोसेस है बताइए भैया तो जाओ मैं इसको एक बार वापस से शुरू कर देता हूँ सबिट टेस्ट करके वापस से इसको शुरू कर देता हूँ मैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वापस से थर्टी मिनट्स हो जाए और वापस से हम इसको सही कर पाए ना यस टैम्प्ट अगेन आव यस अब जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हो ट्वेंटी नाइन मिनट्स हो चुका है तो आधा घंटा हमारे पास है ट्वेंटी क्वेश्चन आप देख रहे हो ट्वेंटी क्वेश्चन करने हमको ट्वेंटी क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा सफिशियंट होता है आई थिंक सो है ना तो बेसिकली आज ट्वेंटी नहीं थर्टी क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन है यस थर्टी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी मुझे इसके आंसर बताते आओ काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास यस बताते यही आंसर मैं देख रहा हूँ चैट में चैट में जो भी मुझे आंसर दिखेंगे वही मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसका क्या लगाऊं सर इसका रेस्परेशन लगा दीजिए एस्परेशन ठीक है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा जो है एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयरन सोडियम या फिर नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है दीपा क्या बोले सर डी होगा इसका अवनी बोली है आयरन होगा आयरन तो हीमोग्लोबिन में होता है यार कैफी -E जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है ना यस यस सर डी होगा पक्का काफ़ी लोग सोडियम भी बोल रहे हो काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड है इसमें हाय तनु हाय तनु शर्मा नीतीश कुमार बोल रहे सर डी होगा ठीक है तो मैं इसका नाइट्रोजन लगा रहा हूँ ठीक है आंसर हम लास्ट में चेक करेंगे जैसे ही हमारा क्विज हो जाएगा फिर हम आंसर चेक करेंगे यस बताइए नाइट्रोजन लगा दू ना ठीक है नेक्स्ट क्लोरोफिल जेंथोफिल एंड कैरोटीन ये सब क्या है पिगमेंट है हार्मोन है एंजाइम है या फिर गैसेज है बताइए ये, ये सब क्या होते हैं टाइम यहाँ पर चल रहा है आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताते आओ सर ए ए ए मोहित वाटरलू सुप्रिया क्रिश पटेल पिगमेंट ना ए होगा सर डिशांक भी बोल हैं ए होगा ठीक है ए लगा दिया मैंने फोर्थ क्वेश्चन द सरफेस एरिया ऑफ गिल्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गिल्स में ऐसा क्या होता है लेमिले या फिर स्लिट्स ऐसा क्या होता है गिल्स में बताइए क्लोरोफिल से पता चल गया आंसर यस बिल्कुल सही है सर मेरा नाम तो लीजिए मिस्टर युवराज बिल्कुल सही है इसका क्या लगाऊ मैं पांडे बोल रहे सर इसका ए लगा दो स्लिट्स ठीक है ए लगा दिया मैंने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है ऑटोट्रोफिक सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक या फिर हेटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई फंजाई जो है वो डेड और डीके मटेरियल पे अपना खाना बनाता है तो डेड एंड डीके मटेरियल वाला डेड एंड डीके मटेरियल से जो खाना बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सर से प्रोफाइटिक होगा पक्का हंड्रेड परसेंट लॉक कर दिया जाए लॉक कर दूं ठीक है ऑप्शन बी लॉक करते हैं यहाँ पर डिशंक युवराज सुप्रिया काफ़ी लोग इसमें दिमझिम वंदना ये लोग सब लोग यही बोल रहे हैं ठीक है फैक्टर नॉट अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर विंड वेलोसिटी लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन टेम्परेचर विंड वेलोसिटी बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर डी डी सी काफी लोग सी बोल रहे हो विंड वेलोसिटी ठीक है सी कर रहा हूं मैं इसमें पांडे क्रिश पटेल सुप्रिया नीरज हर्ष डीशंक ये सब लोग उसका सी बोल रहे हो ना ठीक है गिजार्ड इज अ पार्ट ऑफ गट बताइए यस 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 गिजार्ड इज अ पार्ट ऑफ गट ऑफ गिजार्ड किसके पेट में होता है भाई ग्रास ऑफर के मैन के राउंड वर्म के या फिर फ्लैट वाम के वाटर लू सर इसका ए होगा ग्रास ऑफर के गिजार्ड किसके पेट का पार्ट है यस ग्रास ऑफर मेरे को भी यही लग रहा है देखते हैं क्या होगा ए लगा रहा हूं मैं कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू मिल्क टू कर्ड जो कन्वर्जेशन होता है ये क्यों होता है स्पॉलेज के कारण हीटिंग के कारण बॉइलिंग के कारण या फिर फर्मेंटेशन के कारण उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है क्या बताइए यस 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 द डी डन डी श्योर फर्मेंटेशन कर दूँ ठीक है फर्मेंटेशन नेक्स्ट नेम द टिश्यू इन अ लिव वेयर प्लास्टिक आर प्रजेंट प्लास्टिक कहाँ पर होते हैं हाय हाय एवरीबडी यस पांडे जी बोल रहे सर डी होगा तनु शर्मा बोलिए सर डी होगा हाय सर आवर यू आई एम फाइन सोनम यादव जी श्रद्धा आई एम फाइन यस 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 अवनी है सर सी होगा इसका तो यूश पटेल बोल रहे सर सी होगा क्या करूं डी कर दूं लास्टेट कहां पर होते हैं सर डी है ठीक है मैं डी कर रहा हूँ इसका काफी लोग डी बोल रहे हो काफी लोग सी भी बोल रहे हो कंफ्यूज कर दिया है मुझे पूरा तुम लोगों ने सर सी कर दीजिए भाई क्या कर रहे हैं टाइम नहीं बचा है देखो टाइम बहुत कम है टोटल क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन है सर सी होगा पक्का ठीक है मैं सी कर रहा हूँ मिजोफिल सेल्स प्लास्टिक तो मैं कर रहा हूं मीजोफिल सेल ठीक है इसका क्वेश्चन का आंसर हम चेक करेंगे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म वेस्ट को कौन ट्रांसपोर्ट करता है भाई प्लाज्मा प्लेटलेट डब्ल्यू बी सी या फिर आरबीसी कन्फर्म आंसर बताइए मुझे कन्फर्म आंसर क्या होगा आपका हंड्रेड परसेंट कन्फर्म वाला वॉटर लू बोल रहे सर डी होगा डी मतलब आरबीसी आरबीसी करते क्या नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसफर कौन करता है यस 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 बताइए भैया यस 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 ओके ओके प्लाज्मा कर दूं ना ठीक है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रेस्पायर थ्रू लंग्स लंग्स के थ्रू रेस्पायशन किसमें नहीं होता है टक एड पोल रॉग या फिर व्हील लंग्स नहीं होते हैं, मतलब उसमें कोई और ऑर्गन होगा यस यस बताइए भैया सो इजी डी भाई वेल का आपको पता है ना वेल क्या होता है वेल जो है ठीक है मैं डी कर रहा हूं अगर तुमको ये नहीं पता है, तो तुम लोग समझ जाओगे इससे नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री द प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू रेस्परेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है उल्टा ना कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग Going together विथ समबडी और समथिंग साथ में मतलब उसकी जैसी प्रोसेस कौन सी है कंप्लीमेंट्री मतलब उसके जैसी प्रोसेस कौन सी है? सर्कुलेशन कॉस्टमर रेगुलेशन सर पिछले क्वेश्चन का भी होगा ठीक है टेटपुल कर रहा हूं मैं इसमें आपको पता है ना जो वेल होती है ना वो क्या करते हैं वेल के पास गिल्स वगैरह नहीं होते हैं पोल कर दिया मैंने उसका यस यस बताइए यस, यस 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 वेल्स जो होती है उसके पास भी लंग्स होते हैं इसका क्या करना है मुझे आप ये बताइए इसका डी कर दूं थेसिस ठीक है नेक्स्ट नेम द प्रोसेस प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा या फिर पेप्टिन बताइए भैया टाइलिन टाइलिन एसी कॉम बोलते सलाइवे मिलेज बी एमेलेस हम किसको बोलते हैं टैलियन को ही बोलते हैं तो सलेवेदी एम तो हमारे माउथ में निकलता ही है तो इसका यही होगा ना नेक्स्ट सबसे कम नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें होता है विच कंटेन लेस नाइट्रोजनस वेस्ट रीनल आर्टरी पलमनरी वेन पलमरी आर्टरी या फिर रीनल वेन इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम भी था आपके पास यस पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ फिर आप मुझे बताना इसका आंसर ठीक है ये वाला डायग्राम देखो और मुझे बताओ फिर और कह गया भाई ये देखो ये देखो आर्टरी का क्या फंक्शन लिखा हुआ है ब्लड एंड वेस्ट एंटर थ्रू रीनल आर्टरी एंड रिनल वेन जो है यहाँ पर फिल्टर ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है यहाँ से मतलब सबसे साफ किसमें होगा सबसे साफ सुथरा ब्लड किसमें होगा समझ रहे हो ना सबसे साफ सुथरा ब्लड इसमें होगा और सबसे गंदा ब्लड इसमें होगा रीनल आर्टरी में चलो अब वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे बताइए सबसे लेस नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें होगा अब तो डी डी होगा ना रिनल वेन में सबसे कम होगा नाइट्रोजेनस वेस्ट क्योंकि किडनी से जो भी फिल्टर होकर करके ब्लड आ रहा है एकदम फिल्टर प्योर ब्लड वो रिनल वेन के थ्रू आता है यस yes. नेक्स्ट एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस थ्रू रेस्परेशन इज ये तो बहुत ही सिंपल है बताइए इसका आंसर बताइए यस यस क्रिश पटेल यस युवराज तनु शर्मा आकाश डिशंक मुस्कान यस 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 बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस थ्रू रिस्पेशन इज एटीपी एएमपी ए बताइए सी होगा ना यस विच मेटेलिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हिमोग्लून ये मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में है ना ये मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था यस यस आयरन जो होता है आपको पता है ना जो गर्भवती महिला होती है प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट फीमेल तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है भाई उनको अपन आयरन की गोली देते हैं आयरन की गोली देते हैं ना प्रेग्नेंट जो भी होते हैं हमारे वहां उनको हम आयरन की गोली खिलाते हैं आयरन की गोली से क्या होता है उनका जो खून वगैरह है ना वो तो प्रॉपर बना रहता है समझ रहे हो तुम ठीक है तो इसका क्या आंसर आएगा डी ना यस यस गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं जनरली तो फीमेल yes, जो प्रेग्नेंट होती है उन लोग को आयरन की गोली 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 खिला देते हैं यहां पर ठीक है यस नेक्स्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान है लोग मतलब रिडक्शन होता है ना यस रिड्यूसेस रिड्यूस्ड तो इसका आएगा रिड्यूस्ड यस बिल्कुल सही है युवराज ने भी सही बोला सुप्रिया ने भी सही बोला है नेक्स्ट आयुष का ब्लड ग्रुप है ए ईशो जो है उसका ब्लड ग्रुप है ओ रिया का ब्लड ग्रुप है ए बी रिया कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम होम रिया जो है वो किससे ब्लड ले सकती है मतलब वो ओ वाले से लेगी या ए वाले से लेगी जिसका ए बी है वो किससे ले सकता है यस बताइए ए बी ब्लड ग्रुप वाले किससे ब्लड ले सकते हैं वाले से मतलब इश्यूज़ से डी से सर पक्का यस यस डी होगा सर पक्का ठीक है डी कर रहा हूं मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लैकोलिसिस ग्लाइकोलाइसिस से फाइनली बनता क्या है इसके लिए भी मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा इसके लिए एक फोटो दिखा देता हूँ फिर आप लोग मुझे आंसर बताना ठीक है गई वो फोटो ये रही वह फोटो ठीक है इसके बाद आप मुझे आंसर बताना मैं आपको यहां पर पहले फोटो दिखा दूँ फोटो दिखाने के लिए सब कुछ हटाना पड़ता है हटा देंगे भाई आप लोग के लिए हटा देंगे ये देखो ये तो हमारा किडनी का डायग्राम था ये नहीं ये वाला ये वाला देखो ग्लैकोलोस ये रहा हमारा ग्लूकोज से क्या बन रहा है समझ रहे हो ना तो ग्लैकोलिसिस कहां पर होता है सर्टोप्लाजेम में होता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लैकोलिसिस इसके बाद होती है क्रेप क्रेपसाइकल करेपसाइकिल कहाँ होती है में होती है तो ग्लैकोलिस का प्रोडक्ट क्या है पायरोट पायरोट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लैकोलिसिस ठीक है अगर वो सिलेक्टिक एसिड बना लेगा तो उसमें दो एटीपी बनते हैं जो कि एनोरो रेस्पायरेशन है और अगर वो एरोबिक रेस्परेशन करेगा तो उससे थर्टी सिक्स ए बनेंगे ठीक है तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सर ए होगा पक्का यस है ना समझ में आ गया ना अब ठीक है ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेंटेन प्रॉपर आयोनिक बैलेंस टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी इनमें से कोई दो आंसर सही हैं तो आपको यह नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं आई थिंक सो दिख रहे होंगे आप लोग को जैसे मैं इसको थोड़ा तो एडजस्ट कर देता हूँ बताइए इसमें से कौन सा वाला लगाऊँ मैं बी एंड सी करेक्ट है ए एंड वी करेक्ट है ए एंड डी एंड डी करेक्ट है या फिर ऑल ऑफ दीज करेक्ट है ऑस्मो रेगुलेशन हम किसको बोलते हैं बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन इज द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयन इन द बॉडी वाटर और आयन का जो बैलेंस होता है उसको अपन बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन तो इसका आंसर क्या आएगा यस यस सर बी होगा पक्का डी बोल रहे सर बी होगा युवराज बोल रहे सर बी होगा अवनी बोलिए अवनीश बेस्ट ऑफ लक बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर द हार्ड वर्क बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क सर एटीन का ए होगा युवराज बोल रहा है ए होगा इसका कर दूं ए एंड सी B एंड सी करना है क्या इसका सर इसका बी होगा इसका बी है क्या ए एंड बी वाला ठीक है मैं इसका बी कर रहा हूं फिर बी कर रहा हूं आई थिंक सो अभी हम बीस क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं बिकॉज टाइम हमें कम पड़ जाएगा फिर बचे हुए जो दस क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट मतलब अभी इसके बाद चेक कर लेते हैं ठीक है तो अभी हम इतने जो अभी हमने क्वेश्चन करे उसको पहले चेक कर लेते हैं इसमें से हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए ठीक है वरना वो टाइमिंग जो है टाइमर जो है वो बारह बजा देगा हमारी टोटल मार्क्स सेवेंटी आउट ऑफ वन ट्वेंटी एटीन क्वेश्चन करेक्ट टू क्वेश्चन इनकरेक्ट दिख रहा है आप लोग को दो क्वेश्चन हमारे गलत हो गए कौन कौन से दो क्वेश्चन गलत हुए एक बार चेक कर लेते हैं भाई गलत कौन से हो गए बताइए भैया देख लेते एक बार दो कौन से गलत हो गए हमारे एक तो यह वाला गलत हो गया द सर्फेस एरिया ऑफ गिल्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो इसका आएगा लेमिले द प्रजेंस ऑफ लेमले इनक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ गिल्स मतलब गिल्स में क्या होता है लेमले होते हैं ये लोग ये कई लोग बोल भी रहे थे बट ज़्यादातर लोग इसका क्या बोल रहे थे ऑप्शन ए बोल रहे थे काफी लोगों ने इसका लेमले भी बोला था ये वाला हमारा गलत हो गया इसके अलावा हमारा कौन सा गलत हुआ है इसके अलावा इसके अलावा हमारा ये वाला गलत हुआ आयुष जो है आयुष ये जो ब्लड ग्रुप वाला आपने बताया था ए तो बी अगर उसके पास है तो ए बी जो है वो बेसिकली क्या होता है यूनिवर्सल रेसिपियंट होता है एंड सी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी ए बी एंड ओ ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपियंट तो ए बी वाले जिसके भी ब्लड ग्रुप है ना वो पूरी दुनिया में से भी, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं इसलिए बहुत आयुष एंड इशू आंसर आएगा इसका इसका ए आएगा ठीक है काफ़ी लोग इसका ए भी बोल रहे थे बट ज़्यादातर लोग जो आंसर करते हैं मैं वही लगाता हूँ बाकी हमारे पूरे के पूरे सही है ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी हमारा सही है ट्वेंटी आउट ऑफ एटीन हमारा सही है इसका रेस्परेशन भी सही था हमारा वालेजगर प्रोसेस कंटिन्यूसली जो हो रही है उसको ओपन बोलते हैं रेस्परेशन देन तुम लोगों ने बताया था प्रोटीन में क्या होता है नाइट्रोजन होता है ये भी सही है हमारा एक बार देख लेते हैं सारे आंसर्स क्लोरोफिल वाला क्या है पिगमेंट है देन पंजाब में होता है सेप्रोफाइटिक मोड न्यूट्रिशन फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस विंड वेलोसिटी कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी विंड कितने भी तेज चले उससे तो कोई मतलब नहीं है गिजार्ड इज़ गिजार पार्ट ऑफ बेबी आप लोगों ने सही बोला ग्रास ग्रासोफर बिल्कुल सही है इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू फ़र्मेंटेशन फ़र्मेंटेशन हो जाता है टिश्यू ये मिजोफिल बिल्कुल सही है क्या लोग इसका माइट्रोकॉन्डिया बोल रहे थे ना बट इसका मिजोफिली सही है ठीक है अपने अपने आंसर चेक कर लो सब लोग इसने क्या क्या बोले थे देन प्लाज्मा जो होता है वो करता है नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझ गए प्लाज्मा जो होता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट तो दिस इज आल्सो करेक्ट इसके बाद आप देख रहे हो यहां पर तो टेल्ट पोल जो होता है ना टेल्ट पोल अकेला है जिसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है बाकी डक हो गया फ्रॉग हो गया वेल हो गई इवन जो वेल है ना वेल आपको पता होगा यार ये तो जो वेल होती है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसमें ब्लो होल होता है आपको पता होगा यहां पर हम देखने की कोशिश भी करेंगे कि इस तरीके से वो क्या करती है मतलब ये जो है तो इस तरीके से वो अपने अंदर वो लेती है पूरा पानी भर लेती है उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और लंग्स होते हैं बेसिकली वेल्स में क्या होते हैं लंग्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका टेटपोल आएगा और बाकी के सारे भी हमारे सही हैं अब अपन बचे हुए क्वेश्चन जो अपने जो दस क्वेश्चन बचे हैं, उसको अपन वापस से कर लेते हैं जो टेन क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है ना अटेम्प्ट अगेन तो टेन क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं जो बचे हुए हमारे टेन क्वेश्चन है यहाँ पर ट्वेंटी वन से लेकर के थर्टी वाले ये वाले कर लेते अपन इसको मैं एक बार एडजस्ट कर देता हूँ पहले ताकि आप लोग को दिख पाए प्रॉपरली यस 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 इसका आंसर बताइए आप मुझे जब तक आप लोग को दिख रहा ना पे ट्वेंटी वन से लेकर के थर्टी क्वेश्चन हमें करने हैं इतने क्वेश्चंस रिमेनिंग है अभी बताइए भैया इसका आंसर बताइए दस क्वेश्चन बचे बस वेस्टीजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल थेमस ग्लैंड एपिग्लॉटिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स फिर पिनियर ग्लैंड कौन सी ऐसी चीजें जो वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे काम करती है सर ऑप्शन बी होगा इसका अपेंडिक्स ऑप्शन बी थोड़ी अपेंडिक्स है ऑप्शन सी अपेंडिक्स है अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल सही बात है आपकी और मुझे भी इसका सी लग रहा है अरे यहीं पे बता रहा है तो करेक्ट है कि नहीं है बढ़िया मतलब ये हमारा करेक्ट था करेक्ट आंसर वेस्टिजियल ऑर्गन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गन दैट वाज वंस यूजफुल इन द एनिमल इवोल्यूशनरी पास्ट मतलब कि हमारे जो एंसिस्टर थे बहुत ही पुराने वाले मंकी के टाइम पर हम जब मंकी थे उस टाइम पर अपेंडिक्स का उपयोग था बट अभी उसका कोई भी उपयोग नहीं है नाउ इट इज जस्ट अ वेस्टिजियल ऑर्गन देन एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है आपको पता है कि क्लॉटिंग में काम आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है इसका क्या होगा बताइए भैया यस 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 बिल्कुल सही है कल मेरी नौ से दस जो क्लास है वो अनएकेडमी पर होगी और साढ़े दस से साढ़े ग्यारह वाली जो क्लास है मतलब ये वाली जो क्लास है दिस विल बी शिफ्टेड टू अन अकेडमी ऑल्सो ये दो तीन दिन के लिए हो रहा है फिर वापस से पुराना ही हो जाएगा मतलब नौ से दस वाली क्लास वहाँ पर होगी और फिर साढ़े दस से साढ़े ग्यारह वाली यहाँ पर होगी तो दो तीन दिन के लिए अभी मैं वहां पर लूंगा ठीक है तो इसलिए आप लोग सभी लोग वहाँ पर आ जाइए यस अन अकेडमी पर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है मेरे सारे ही सेशंस का पीडीएफ भी, भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर अन अकेडमी के ऐप पर तो आप लोग उसको देख लीजिए वहां पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे बताइए प्रो थ्रामिन टू थ्रोमिन यस, yes. यस yes, बिल्कुल सही है बी इसका सही है थ्रोमोप्लासिन क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग सबस्टेट जो होता है मतलब जो सब्स्टेट का क्या होता है ऑप्शन बी ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है द कंपाउंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड ट कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है दट इज वाई दबे ऑक्सीडाइज इनमें से कौन से लिविंग कॉम्पोनेंट है फ्लूएम के लिविंग कॉम्पोनेंट कौन कौन से और डेड कौन से है सीफ ट्यूब्स कंपेनियन सेल फ्लू का एमा या फिर फ्लोएम फाइबर्स बताइए भैया लिविंग कंपोनेंट ऑफ लोएमआर, आर यस 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 सर सी होगा सी ए बी एंड सी ठीक है सी करता हूं बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ए बी एंड सी मतलब सी ट्यूब्स कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेंट कैम आर द लिविंग कंपोनेंट फ्लोएम फाइबर जो होती है वो डेड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन मोर एनर्जी रिलीज्ड सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से रेस्पिरेशन में निकलती है एरोबिक रेस्परेशन फोटो रेस्परेशन एनरोबिक रेस्परेशन या फिर ऑल ऑफ दीज बताइए ऑप्शन ए पांडे जी बोल रहे ऑप्शन ए होगा युवराज पांडे दिशंक बोल रहे सर ऑप्शन ए होगा सुप्रिया भी बोलिए ए होगा निकाता बोलिए सर ए होगा ठीक है एरोबिक रेस्परेशन ना बिल्कुल सही है थर्टी सिक्स एच भी बनते हैं एरोबिक एरोपरेशन में थर्टी सिक्स एच भी बनते हैं बहुत बढ़िया ओनली फाइव क्वेश्चन रिमेनिंग गाइस द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट एनर्जी का फंक्शन क्या होता है मतलब जो सनलाइट होती है उसका फंक्शन क्या है ब्रेकिंग ऑफ सीओ टून टू कार्बन डा कार्बन एंड ऑक्सीजन टू एक्टिवेट क्लोरोफिल ब्रेकिंग ऑफ एच टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या फिर ऑल ऑफ दीस यस ए ए गलत हो गया ये वाला हमारा क्लोरोफिल जो है उसका एक्टिवेशन क्लोरोफिल एक्टिवेशन में काम आता है सनलाइट फर्स्ट एक्टिवेट द क्लोरोफिल एंड दस द क्लोरोफिल बिकम एक्साइटेड इट मीन्स हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड दस द क्लोरोफिल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट एंड डेफिशेंट क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन डस स्प्लिट बिल्कुल सही है इसका बी आएगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल इज डन बाय सनलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन बाइल इज सिक्रेटेड बाय बाइल कहां से सीक्रेड होता है पेनक्रियास से गॉल ब्लैडर से लिवर से ये तो बहुत ही सिंपल है यस 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 बताइए यस 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 लीवर ना ये तो सबको पता है पांडे जी बोल रहे सर लीवर होगा सुप्रिया गुप्ता जी बोल रहे सर सी होगा निकिता बोलिए सर सी होगा दिशांक बोल रहे सर सी होगा ठीक है बिल्कुल सही है आप लोग का बिल जो है ये बाइल जो है वो लीवर से निकलता है और स्टोर कहाँ पर होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बाइल टेक्सप्लेसन गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर में होता है टेम्पररी स्टोर तो, लिवर में तो बनता है और टेम्पररी स्टोर होता है टेम्पररी स्टोरेज टेक्स प्लेस इन वॉल बेटर हमारा टेन में से अभी तक एक ही गलत हुआ है ये वाला वरना हमारे टेन आउट ऑफ टेन सही हो जाते हैं अभी अपने तीन क्वेश्चन और बचे हैं विच आर द फॉलोइंग इज अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वाटर या फिर हाइड्रोजन बताइए कौन सा वाला आपको सही लग रहा है इसमें से ऑप्शन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। युवराज बोरे सर डी होगा इसका बोरे सर सी होगा काफी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं यहां पर बस सी ओ टू प्लस एच टू ओ इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कार्बन डाईऑक्साइड चाहिए सी ओ टू प्लस एच टू ओ मतलब वाटर भी चाहिए so A and D तो ए एंड डी तो होना ही चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए नहीं ए और सी होना चाहिए ना तो एंड सी वाला कौन सा ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है तो फिर सी होगा ना इसका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है देखो यहाँ पर करेक्ट हो गया ना बिकॉज सी ओ टू प्लस एसिड टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लोरोफिल फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की पहली स्टेप क्या होती है आइनाइजेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अटैचमेंट ऑफ सीयू टू या फिर एक्सक्रिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सन इज सॉरी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरफिली कई लोग इसका ए भी बोल रहे हो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे फर्स्ट स्टेप क्या होती है photosynthesis की photosynthesis की फर्स्ट स्टेप क्या होती है ऑप्शन ए आयनाइजेशन ऑफ वाटर डी रहे हैं सर ए होगा गलत हो गया बेटा ये होती है पहले स्टेप एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल सॉरी पार्ट ऑफ बॉडी वेयर एनारोबिक रेस्परेशन टेक्स प्लेस एनारोबिक रेस्परेशन कहां पर होता है थर्टोप्लाजम में रोटोप्लाजम में मैटोकोड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में, तो में। आर्टेरियल बेटा आर्टेरियल मतलब आर्टरी का एक छोटा वाला पार्ट जैसे कि एक बहुत बड़ा पाइप है तो जो बड़ा वाला पाइप है उसको अपन बोलेंगे आर्टरी उसमें से छोटे छोटे पाइप निकल रहे हैं साइड में से तो जो स्मॉल पाइप्स इन अवर बॉडी दैट इज नोन एज आर्टेरियल्स एक बड़ी वाली आर्टी एवोटा है जो एवटा जो सबसे -सब बड़ी आर्टरी है तो उससे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है एक एक जाती है हमारे लिवर में एक जाती है हमारे लंग्स में एक जाती है किडनी में तो ये जो छोटी छोटी आर्टरी होती है इसको अपन बोलते हैं आर्टेरियल्स ठीक है, है।, है समझ में आ गया इसका क्या होगा साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया तो हमारे ये टेन में से हमारे दो क्वेश्चन गलत हुए एक तो ये वाला गलत हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस लगता है आपका टॉपिक बहुत वीक है आपने फोटोसिंथेसिस के दो क्वेश्चन गलत कर दिए और दूसरा ये वाला गलत हुआ था फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है ठीक है। so I think so, आज के लिए इतना काफी है आप सभी लोग को मैं सर्टिफिकेट यहां पर देता हूं जिनको भी चाहिए। yes, yes. सर्टिफिकेट चाहिए यस यस सर्टिफिकेट मैं आपको देता हूं यहां पर यस 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 किसको चाहिए सर्टिफिकेट नाम बता दो अपने अपने डेट क्या 6 October, है सिक्स अक्टूबर ना यह है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिवेश स्वामी दिवेश को मिल रहा है पहला सर्टिफिकेट स्वामी और किसको चाहिए भाई बता दो अपने अपने नाम बता दो करमाने की बात नहीं है इसमें सब लोग अपने अपने नाम बता दो जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए बताइए श्रेया यस यस सबको मिलेंगे सर्टिफिकेट एक एक करके एस एच आर श्रे ई वाई ए श्रेया कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया और किसको चाहिए अभिषेक झा अभिषेक झा आप तो हमें दिखे नहीं भैया अभिषेक जी जो पूरी पूरे क्लास में रहता है उसी को मिलता है जैसे मिस्टर युवराज जो है ये पूरी क्लास में प्रेजेंट थे तो इनको मिलेगा भाई युवराज इन्होंने आज बहुत ही ज्यादा बहुत ही इन्होंने रिस्पॉन्स करा था इसलिए इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है और डीशेंग भी था डीशेंग यस yes, डिशांक जो है हमारे मैं उसको डीशेंग डीशेंग बोलते रहता हूं पता नहीं क्यों दिशांक कहाँ है भाई यस यस ठीक है और किसको चाहिए निकिता को चाहिए यस yes, निकिता इज आल्सो वेरी एक्टिव वेरी वेरी एक्टिव एन आई के आई टी ए और निक्की भी इनका नाम है कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता निकी यस यस यूट्यूब पे ही कमेंट पढ़ रहा हूं मैं और कहां पे पढ़ूंगा बताइए भैया ये ओबीएस है सॉफ्टवेयर इज ओ बी एस इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओ बी एस ओ बी एस ठीक है जो भी लोग पूछ रहे हैं हाउ डू वी डू दिस स्ट्रीमिंग बाय द हेल्प ऑफ ओ बी एस ठीक है यस बताइए युवराज और बताइए किसको चाहिए सर्टिफिकेट टीशेंग सोनी आपको तो दे दिया मैंने गौरव 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 बोरे उनको भी चाहिए ठीक है गौरव कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव और किसको चाहिए भाई गौरव अभिषेक झा अभिषेक झा आपको भी दे देते दे 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 चलो अभिषेक झा चुलेशन अभिषेक झा चलिए ठीक है आपको मैं कुछ दिखाए तो यहां पर स्लाइड वगैरह अगर आपको और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना तो बता दीजिए कुछ टेन ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास और जो हम लगा सकते हैं अगर करना है तो बता दो चलो तो फाइव तो कर लेते हैं ना पांच ऑब्जेक्टिव कर लेते बस पांच ऑब्जेक्टिव कर लेते बस ओनली फाइव ऑब्जेक्टिव ओनली फाइव ऑब्जेक्टिव है ना बट फाइव आउट ऑफ फाइव हंड्रेड सही होने चाहिए तभी तो मजा आएगा फाइव आउट ऑफ फाइव हमारा सही होने चाहिए ठीक है बताइए पहले वाले first का कैंसिल लगाऊं फर्स्ट का डी फर्स्ट का सी भाई पहले ही गलत मत करवा देना यार देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन एक होती है, एक है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी डिराइव फ्रॉम दिटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सिंथस ड्यूरिंग एक्सपरेशन इज ड्यू टू सी होगा इसका ठीक है फर्स्ट वाला मैंने लगा दिया है ये पांच क्वेश्चन हम कर ले फिर हम इनके आंसर चेक करेंगे ठीक है पोर ओपन वेन गार्ड सेल वेलप गार्ड सेल श्रिंक, इन दोनों में से यस, है हीट रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जिसमें हीट एब्ज़ॉर्ब होती है बिल्कुल सही है तो शर्मा सही बोल रही है सुप्रिया शर्मा सुप्रिय शर्मा फेगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको ऑप्शन बी होगा ना इसका ठीक है ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ रेस्परेशन पारोवेट इज कन्वर्टेड अच्छा मतलब एनर्बिक रेस्पिरेशन किस में होता है लैक्टिक एसिड किस में बनता है एलोलाई में नर्व सेल में इंटेस्टाइन में या फिर मसल सेल्स में बताइए यस यस बताइए मसल सेल्स में होता है ना लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन डिशंग भी बोल रहे गौरव भी बोल रहे हैं सुप्रिया भी यही बोल रही है ठीक है थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा बस दो क्वेश्चन और बचे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है इसका आंसर क्या होगा एक सौ बीस अस्सी एक सौ दस सत्तर यस ये होगा हंड्रेड परसेंट निकिता बोल रही है

कार्बोहाइड्रेट का डाइशन होता है ना सलावेरी अमेलस के थ्रू क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका डाइशन होता है सी होगा सर ठीक है चलो तो चेक करते हैं इसको कितने हमारे सही हुए इसमें से अरे भाई क्या हो गया इसका आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन का क्या है गार्ड सेल स्वेलअप देन मसल सेल में होता है लेक्टिक एसिड फॉर्मेशन 120-80 ये होता है सेस्ट्रोलिक डायस्ट्रोलिक प्रेशर डाइशियन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक ठीक है तो ये थे हमारे पांच क्वेश्चन तो आई थिंक सो यहीं पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं आप सभी लोग से मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम इफेक्ट सेम प्लेस बट नॉट सेम प्लेस कल तो हम मिलेंगे आपको अन अकेडमी के ऐप पर ठीक है तो आप सभी लोग हमको वहां पर ज्वाइन करें अकेडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टेन परसेंट ऑफ ऑफर लगा सकते हो सीबीसी टेन का ठीक है और डाउनलोड द डाउनलोडमी फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड एपल प्ले स्टोर ऑल दि फीचर फ्री लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो सब लोग ठीक है थैंक यू वेरी मच